कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के परिसर वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, दिखाते आपको अपने इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने संबोधन भी दिया। निर्यात पोर्टल की बात करें तो इसे विदेशी व्यापार से जुड़ी सारी जानकारियां एक ही जगह पर मुहैया कराने के लिए बनाया गया है। ये विदेशी व्यापार सभी पक्षों के लिए सूचनाओं का वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा। इसका पूरा नाम नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रेड है। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्यात पोर्टल की लॉन्चिंग और वाणिज्य भवन के उद्घाटन के बाद कहा कि ये दोनों आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं का लक्ष्य सरकारी कामों में तेजी लाने का है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार के प्रोजेक्ट्स वर्षों तक लटके नहीं, समय पर पूरे हों। सरकार की योजनाएं अपने लक्ष्यों तक पहुंचे, तभी हमारे देश के टैक्सपेयर का सम्मान है। पीएम मोदी ने कहा कि आज सरकार का हर मंत्रालय, हर विभाग, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने को प्राथमिकता दे रहा है। एमएसएमई मंत्रालय हो या फिर विदेश मंत्रालय, कृषि हो या कॉमर्स, सभी एक साझा लक्ष्य के लिए साझा प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार वोकल फॉर लोकल अभियान, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए जो स्थानीय उत्पादों पर बल दे रही है, उनमें भी एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद की है। अब दुनिया के नए नए देशों में हमारे अनेक प्रोडक्ट्स पहली बार निर्यात किए जा रहे हैं। वहीं नए वाणिज्य भवन का उद्घाटन होने के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को नया व आधुनिक भवन मिल गया है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि निर्यात पोर्टल से भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।